हेलो स्टूडेंट्स, अब तक आप लोगों ने टॉपिक थर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो टॉपिक कवर किया तक हमने है वो 3.1 से लेकर 3.4 तक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट। आपने प्रैक्टिस सेट किया 3.1 से लेकर 3.4 तक, आपने प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। अभी हम प्रॉब्लम सेट करने वाले जिसमें सारे प्रॉब्लम मिक्स प्रॉब्लम होंगे, मिक्सिंग प्रॉब्लम सब है, हर वैरायटी के प्रॉब्लम सब आएंगे। जैसे आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। ये सब 1 मार्क्स वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, ये एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज। तो हम आज एमसीक्यूज करने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब पूरा टॉपिक आपका रिपीट होगा इसके अंदर। द सिक्वेंस -10, -6, -2 and 2, ये सिक्वेंस क्यों है, क्या पूछ रहा है, इज एन एपी है, क्या एपी है, रीजन डी इक्वल -16। अब देखो ए बी सी डी चारों ऑप्शन में क्या बोल रहा है, एपी बोल रहा है, क्या ये एपी है। तो दिया गया सिक्वेंस एपी कब होता है, जब उसके कंसेक्यूटिव टर्म्स एक टर्म के बाद दूसरे टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो कॉन्स्टेंट होता है। हमने आपको बताया था कॉमन डिफरेंस डी इक्वल -T1, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल -T3 -T2 और T4 -T3। ये फर्स्ट टर्म है T1, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। अगर इसका सबका कॉमन डिफरेंस डी कॉन्स्टेंट होगा तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, अदरवाइज ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, हमने यही पढ़ा है। तो देखो फटाफट माइनस कर लो, -6 एंड माइनस करना है -10, तो माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, -6 + 10, दैट इज ये 4 आया कॉमन डिफरेंस। सिमिलरली T3 क्या है, -2 है, उसमें से माइनस करेंगे -6 तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 में से 2 क्या 4। फिर ऐसे T4 क्या है, 2 है, उसमें से करेंगे -2 तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो दैट इज 4। तो इसका मतलब ये एपी है, ये सीक्वेंस एपी है, ये दिया गया सीक्वेंस क्या है, एपी है। क्यों है, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस डी क्या रहा है, बार बार 4 आ रहा है। अगर हम किसी भी फर्स्ट सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस कर रहे तो कॉमन डिफरेंस डी क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों, क्योंकि इसका जो रीजन है कॉमन डिफरेंस डी 4 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ये आंसर होगा। आपको एग्जाम में क्या करना होगा, ये रफ में सॉल्व कर सकते हैं आप, है ये लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप चाहे तो जस्ट ये क्वेश्चन उसके नीचे आंसर, तो आंसर बी जस्ट, ये ऑप्शन लिखने की जरूरत आपको नहीं होगी। तो डोंट वेस्ट योर टाइम इन एग्जाम, क्योंकि ये 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, आपको जस्ट जनरल ऑब्जर्वेशन में आंसर देना होगा। तो आते हैं मैं सेकेंड क्वेश्चन में, देखिए यहां पर द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी हैविंग द फर्स्ट टर्म -2। अब एक एपी है, एपी है, उसका फर्स्ट टर्म ए लेते हैं, फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं, ए -2, एंड कॉमन डिफरेंस क्या है, डी, और वो भी -2। तो बोलता है कि वे फर्स्ट 4 टर्म क्या हो गए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, वेरी सिंपल। अब देखिए ध्यान से, हमने ये कहा था ना, तो हमने कहा था इसमें ये T1 इक्वल क्या रहेगा -2, T2 इक्वल क्या रहेगा T1 + D, ये वाला फॉर्मूला, T3 इक्वल क्या रहेगा T2 + D, एंड T4 क्या हो जाएगा T3 + D। फटाफट हम जब इसका बदल लेते हैं तो इसलिए आंसर आ जाता है, एक और T1 भी कहते हैं, तो ये दोबारा आंसर T1 हो गया, T1 की वैल्यू -2 + -2 है, तो -2 एंड -2 क्या हो जाएगा -2। सिमिलरली T2 क्या आ गया -4, और माइनस प्लस एंड माइनस के बारे माइनस आने वाला है, डी की वैल्यू -2, तो ये -6 आएगा, फिर ये -4 प्लस एंड माइनस करेंगे डी की वैल्यू -6 आएगा, तो ये 6 है, तो 6 है -2 -8, तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको -2 -4 -6 -8 कहां पे आ रहा है, ये देखो यहां, तो इसका हम डायरेक्टली क्या दे देंगे, आंसर दे देंगे। मैं यहां पर बता दे रहा हूं, उसका डायरेक्टली आंसर भी दोगे आप क्या, ऑप्शन सी, बस ये आपका आंसर होगा। तो एग्जाम में आपको ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, जस्ट केवल आंसर लिखना है, ये सेकेंड का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, बस ऐसे भी रखेंगे तो भी चलेगा। तो ये हो गया 2 क्वेश्चन, अब हम आगे तो 2 क्वेश्चन ऐसे करेंगे।
थोड़ा वीडियो आज का लंबा होने वाला है, कारण इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, तो पूरे 10 क्वेश्चन मैं इसका मल्टीपल चॉइस का एक ही वीडियो में डाल देता हूं। सो नाउ अब मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th और 5th, तीन क्वेश्चन आपके सामने। इसमें क्या कह रहा है फर्स्ट क्लास, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। तो पहले नेचुरल नंबर्स का सम टोटल फाइंड आउट करने के लिए आपके पास जो फार्मूला है वो फार्मूला याद होना चाहिए। ये फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, ऐसा कुछ भी पूछेगा तो आपको ये फार्मूला क्या याद रखना है, एस एन इक्वल एन प्लस एन प्लस वन अपॉन टू। बस जस्ट वैल्यू रखो, आपको 30 नेचुरल नंबर का सम टोटल फाइंड आउट करना है। 30 प्लस 1 अपॉन 2, तो दैट इज क्या हो जाएगा यहां पर 30 इंटू 30 प्लस 1 31, अब 2 से डिवाइड करो ये आ जाएगा 15 इंटू 30 1, तो मल्टीप्लाई करो 15 में जा 15 कैरी 1, 15 3 जा 45 एंड 1 46, तो 465 ऑप्शन बी। तो ये आप रफ में कर सकते फिर आप, लेकिन याद रखो इसके लिए ये फार्मूला है, आपको याद रहना चाहिए, ये मेन फार्मूला है। किसी भी फर्स्ट 30, 40, 50, 60, 100, 200, 1000 कितने भी नेचुरल नंबर को का सम टोटल फाइंड आउट करना है तो उसके लिए ये फार्मूला रखना, एस एन इक्वल एन इन साइड ब्रैकेट एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो आसानी से आप किसी भी नेचुरल नंबर का सम टोटल निकाल सकते हो, फर्स्ट 30, फर्स्ट 40, तो ये 465 आंसर आया, तो इसका ऑप्शन क्या रहता है बोलो, ऑप्शन बी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बस ये हो गया आपका थर्ड आंसर, आपको एग्जाम में मल्टीपल चॉइस का आंसर ऐसे दे रहा है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, फॉर एन एपी इफ टीएन इक्वल 4, ठीक है, यानी कि टीएन की वैल्यू दिया है 4, एन इक्वल 7 है, टीएन इक्वल 4 है ना भाई, बराबर एस टीएन इक्वल 4 है और एन इक्वल 7 है, डी इक्वल माइनस 4 है, तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए टीएन का फॉर्मूला ये देखो, टीएन का फॉर्मूला क्या है, टीएन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इनसाइड ब्रैकेट इनटू डी, आपको टी एन की वैल्यू 7 दिया भाई तो 7 ले लीजिए, यानी कि टी एन इक्वल 4 और एन इक्वल अगर 7 है तो टी 7 इक्वल 4 होगा, 7th टर्म 4 होगा, इसका मतलब है 7th टर्म क्या है 4 है, एन की वैल्यू 7 है तो टी 7 इक्वल 4 हो जाएगा। अब ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, एन की वैल्यू 7 माइनस 1, डी की वैल्यू तो आपको दिया है माइनस 4, बस अब सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये टी एन की वैल्यू 4 है भाई, यहां पर मैं देखो 4 रख दे रहा हूं, इज इक्वल्स टू ए प्लस 7 में से बन गया तो 6 इंटू माइनस 4, तो ये हो गया ए प्लस एंड माइनस माइनस 6 4 का 24, अब ये माइनस 24 इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या आ गई 28 आ गई, तो देखो ऑप्शन कौन सा राइट है, डी ऑप्शन। तो ये रफ में करना है आपको है और इसके बाद आंसर निकालना है, तो इसका ऑप्शन राइट क्या ऑप्शन है, ए की वैल्यू डी होगी, तो ऑप्शन है आपका 28 होगा ए का वैल्यू, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन, अब हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, फॉर एन एपी इफ ए इक्वल, देखो यहां पर मैं रफ कर रहा हूं उसका रफ सॉल्यूशन, रफ कर रहे होगा आपको तो आप एग्जैक्ट आंसर नहीं बता पाएंगे। फर्स्ट टर्म ए इक्वल 3.5 है, कॉमन डिफरेंस जे इक्वल 0 है, याद रखो मैंने आपको प्रीवियस 1.2 में बताया था मैंने कि अगर फर्स्ट टर्म दिया हो और कॉमन डिफरेंस डी 0 हो तो सभी टर्म T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 ऐसे कंटिन्यूअसली सबका सब क्या होगा 3.5 रहेगा, क्योंकि T1, T2, T3 में कॉमन डिफरेंस 0 है ना, इसका मतलब सारे के सारे टर्म्स क्या होंगे 3.5 होंगे। अब यहां क्या कह रहा है कि n इक्वल 101 देन Tn इक्वल 1, तो कोई भी टर्म आने दो ना सारे टर्म फिक्स है, ये तो जनरल आंसर है, फिर भी मैं तो कॉमन फार्मूले में रहते रहा हूं बट जनरली मैं बता रहा हूं ये आंसर Tn की वैल्यू 3.5 आ जाएगी, कारण सारे टर्म्स फिक्स रहेंगे, अगर कॉमन डिफरेंस डी 0 है तो सारे टर्म्स सेम रहेंगे, T1, T2, T3, T100, T200 कुछ भी होगा तो Tn कुछ भी रहेगा वो 3.5 ही रहेगा, फर्स्ट टर्म की इक्वल ही रहेगा, तो इसका आंसर 3.5 है। बट मैं इसको देखो सॉल्यूशन में देता हूं, Tn इक्वल a प्लस n माइनस 1 * d, चलो d क्या Tn पूछ रहा है, n की वैल्यू 101 है बेटा, तो 101 रख दिया, a की वैल्यू 3.5 है, 101 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू जीरो आ गई, अब देखो 3.5
ये आपका 101 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 100 आएगा, इंटू 0 करो तो 100 एंड 100 का 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 आएगा ना, आंसर तो 3.5 है ना, एन की वैल्यू 101 है तो टीएन इक्वल क्या आ जाएगा, 3.5 ही रहेगा, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसका आंसर जनरल ऑब्जर्वेशन है, याद रखो इस बात को, याद रखो आपको, अगर फर्स्ट टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस डी 0 है तो सारे टर्म T1, T2, T3, T4, T5, TN up to TN सबका सब 3.5 है। ये तो जनरल ऑब्जर्वेशन पे आंसर था इसका। अब हम आएंगे आगे के 5 क्वेश्चंस के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 लिया मैंने, मल्टीपल चॉइस है। फॉर एंड एपी द फर्स्ट टू टर्म्स आर -3 and 4। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, अंकगणितीय श्रृंखला दिया हुआ है, उसके पहले दो पद, पहले दो टर्म -3 and -4 दिए हुए हैं। आपको 21st टर्म बताना है, तो किसी भी टर्म को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला दिया गया ना आपका, क्या फार्मूला है, Tn equals to a plus n minus 1 into t। टर्म फाइंड आउट करना तो ये फार्मूला। अब आपको 21st टर्म फाइंड आउट करना है, तो पहले तो उसके अंदर देखो फर्स्ट टू टर्म, ये T1 है, ये T2 है, तो फर्स्ट टर्म तो मालूम है, इसको ए भी कहते हैं, फर्स्ट टर्म को ए भी कहते हैं, और इसका कॉमन डिफरेंस डी क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो कॉमन डिफरेंस डी देखो T2 माइनस T1, T2 क्या है 4 है माइनस, और T1 की वैल्यू -3 अलग से, तो कॉमन डिफरेंस डी क्या है -3, तो ये हो जाएगा 7। कॉमन डिफरेंस डी 7 है इसके, और ए की वैल्यू क्या है -3 है। अब देखो रख दो आपको 21st टर्म T21, फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी है -3, 21 माइनस 1 डी की वैल्यू 7। अब इसको सॉल्व करो यहां पर, तो T21 इक्वल टू -3, 21 में से 1 गया तो क्या आएगा 20 इंटू 7 तो -3, ये 140 में से 3 माइनस कर दो 137, तो इसका आंसर क्या है 137, यानी सी ऑप्शन। ये आपको रफ में करना होगा, सॉल्व नहीं करना एग्जाम में, रफ में करना। तो मैं यहां पे आपको बता रहा हूं कि कैसे आंसर आया, तो इसका सी ऑप्शन राइट है 137, तो ऑप्शन सी आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके बाद मैं करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन का, देखिए यहां पर ये तो जबरदस्त क्वेश्चन है। आपको कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है 5, T18 माइनस T13 की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल है, पहले हम TN के फॉर्मूले में जाएंगे, तो रफ कर रहा हूं मैं यहां पर, TN इक्वल्स क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, टर्म दिया ना, तो T18 माइनस 1 इंटू डी ए प्लस 17 डी, तो T18 की वैल्यू आ गई, तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली अगर मैं T13 निकालू तो क्या होगा, अगर T18 ए प्लस 17 डी हो रहा है तो T13 क्या हो जाएगा, ए प्लस 12 डी हो जाएगा, ये ना। अब हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी, तो उसकी वैल्यू पुट अप कर देते हैं, देखो ध्यान से, T18 माइनस T13, T18 की वैल्यू क्या है, ए प्लस 17 डी, ए प्लस 17 डी माइनस T13 की वैल्यू क्या है, ए प्लस 12 डी। अब सॉल्व करो, ए प्लस 17 डी माइनस ए माइनस 12 डी, माइनस ए प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, 17 में से 12 गया 5 डी। नाउ 5 इंटू डी की वैल्यू क्या दी गई है आपको क्वेश्चन में, 5 दिया होता है, 5 5 25, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, T18 माइनस T13 इक्वल 25, तो आंसर क्या है, सी ऑप्शन सी। तो यहां पे केवल हमें आंसर देना है, आंसर ऑप्शन सी राइट है, ये तो हमने रफ कर दिया सॉल्व, तो इस तरह से इसको अगर सॉल्व कर लोगे रफ में तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आंसर भी एग्जैक्ट आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 and 7। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8, 9 and 10 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सा है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8 and क्वेश्चन नंबर 9, दो क्वेश्चन आपके सामने है। एट क्या है, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 इज, तो 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल क्या होगा, 3 के प्रथम 5 गुणज, भाई मैं इसको रफली सॉल्व कर रहा हूं, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, क्या बोला, सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, तो ये 3 के 5 मल्टीपल क्या है, 1 2 3 4 5 मल्टीपल क्या है, 3 6 9 12 15, 3 का टेबल। अब इनका सम टोटल बताना है, इसमें फर्स्ट टर्म a इक्वल 3 है,
लास्ट टर्म एल इक्वल 15 है, इसको टी वन बोलो इसको टी एन बोलो तब भी चलता है। तो हमने क्या कहा था, फाइव टर्म्स है, एस फाइव इक्वल, या हमने फॉर्मूला क्या दिया था, एस एन इक्वल एन अपॉन टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये फॉर्मूला भी दिया है ना, बस ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे तो भी बहुत है। तो हमें फर्स्ट फाइव टर्म्स है, एन की वैल्यू फाइव होगी, फर्स्ट टर्म थ्री है, लास्ट टर्म 15 है, राइट। चलो फाइव अपॉन टू इंटू फाइव एन थ्री 18, टू नाइन जा 18, नाइन फाइव जा 45, आंसर आएगा 45। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एग्जाम में खाली आपको आंसर दे दिया है तो आसान एकदम। नेक्स्ट नाइन क्वेश्चन, द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट 10 टर्म्स के सम फाइंड आउट करना है, सम टोटल फाइंड आउट करना है, यानी कि अंकगणितीय श्रृंखला के प्रथम 10 पदों का योगफल, और अंकगणितीय श्रृंखला दी हुई है, एपी दिया हुआ है 15, 10, 5, तो वो 5% से कम हो रहा है, कॉमन डिफरेंस भी क्या है 5 है ना, 15 फिर 10 फिर 5, तो ये डिफरेंस कितने का जा रहा है, 5-5 का जा रहा है, -5 का जा रहा है भाई, -5। 15 में से -5 करोगे तब 10 बचेगा ना, 10 में से -5 करोगे तब 5 आएगा ना, तो कॉमन डिफरेंस डी क्या है, -5, फिर -5। तो यहां पर फर्स्ट टर्म 15, और हमें इसमें क्या निकालना है, फर्स्ट 10 टर्म्स का निकाला, तो ये फर्स्ट टर्म मालूम है हमें, कॉमन डिफरेंस डी मालूम है -5, ये मैंने समझाया इसमें कैसे आए। अब आपको सम टोटल निकालना फर्स्ट 10 टर्म्स का, तो एस एन इक्वल एन अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये देखो कब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा, जब फर्स्ट और लास्ट टर्म मालूम रहेगा, इसके अंदर फर्स्ट टर्म मालूम है लेकिन लास्ट टर्म नहीं मालूम है, 10th टर्म कौन सा होगा, तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो अभी हमें 10 सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म बोला है ना, तो यस 10 हो जाएगा, 10 अपॉन 2 2 इंटू ए की वैल्यू 15, 10 माइनस 1 और डी की वैल्यू -5 मैंने पहले कहा आपसे, तो 2 5 10 39 इंटू -5 5 39 5 45 5 इंटू 45 में से 30 निकाल दो तो -15 आ गया, 15 5 75 -75 इज़ द राइट आंसर। इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपको केवल आंसर लिखना है इसे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ये तो आप प्रूफ में करेंगे। तो अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक देखा, अब हम देखने वाले लास्ट क्वेश्चन आज का इस पीरियड में 10th क्वेश्चन, तो दिस इज 10th क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 1 एंड nth टर्म इज 20। देखो इस क्वेश्चन में इसके चार ऑप्शन क्या दिए भाई, देखो एक मिनट ऑप्शन ले लेंगे मेरा, ये ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन है हमारे पास ए है 42, बी है 38, सी है 21 एंड डी है 19, ये चार ऑप्शंस हैं। तो इसके ऑप्शन से आप मालूम नहीं चाहिए क्या ऑप्शन दे, ठीक है, फर्स्ट टर्म 1 दिया हुआ है, ए इक्वल 1 है, और यंग टर्म दैट इज लास्ट टर्म टी एन इक्वल 20 दिया हुआ है, तो फर्स्ट टर्म को हम टी1 भी कह सकते हैं, टी1 और टी एन, T1 1 दिया हुआ है और लास्ट टर्म एथ टर्म दैट इज लास्ट टर्म 20 दिया हुआ है, SN की वैल्यू दी गई कितनी 399, तो क्या बोला N की वैल्यू फाइंड आउट करो, करते हैं SN इक्वल टू N अपॉन टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, हमने ऐसा लिखा था T1 प्लस TN भी होता है, SN की वैल्यू 399 दे दिया है, N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट टर्म 1 है लास्ट टर्म 20 है, बस तो निकल जाएगा आंसर इसका, कैसे 399 या अपॉन 2 है तो इंटू 2 हो जाएगा इधर, इज इक्वल टू एन इंटू 21, नाउ 399 इंटू 2 अपॉन 21 हो जाएगा, इंटू में तो अपॉन है इज इक्वल टू एन, अब डिवाइड कर देते हैं, जैसे 7 से डिवाइड करें, 7 5 35 रिमेनिंग 4 49, 7 7 49 38 ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन बी,
तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि आप ये रफ में सॉल्व करेंगे और ये ऑप्शन वगैरह भी नहीं लिखने का, डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर उसका आंसर, लेकिन आपको रफ में सॉल्व तो करना पड़ेगा ना सही आंसर के लिए। तो ये था इसके 10 क्वेश्चन, हमने पूरे एक पार्ट में इंक्लूड कर दिए। प्रॉब्लम सेट थर्ड के क्वेश्चन नंबर 1 में 10 क्वेश्चन थे, 10 के 10 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर बेस्ड थे और हमने उसको पूरा एक लेक्चर में कर दिया। नाउ राइट फ्रॉम हियर हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 के लिए एक पार्ट बनाएंगे, पार्ट 14 उसमें करेंगे। तब तक आप ये 10 क्वेश्चन अच्छी तरह से करें, नेक्स्ट पार्ट के लिए आप जल्दी ही मुझसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को अच्छी तरह देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जिनको अच्छा लगे लेक्चर चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।